तो कोई बात नहीं, आपके दिल को छू लूं ये क्या कम है। अजीमुशान मुमताज शख्सियत, रहनुमाए उत्तर प्रदेश, पटियाली की ताकत, हमारी शान, हमारा गुरूर, खुशबूदार शख्सियत के मालिक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, ऐसी शख्सियत के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। सालों साल, सालों साल के बाद सुर्ख रूह का सुराग मिलता है, सालों साल के बाद सुर्ख रूह का सुराग मिलता है। पहले आते हैं अनगिनत कांटे, तब जाकर शिवपाल जी जैसा गुलाब खिलता है। हमारे बीच मौजूद आदरणीय कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी, आदरणीय जुगेंद्र सिंह यादव जी, माननीय मंत्री मानपाल सिंह वर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय कैलाश यादव जी, पूर्व विधायक माननीय जसवीर सिंह यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे ही चेयरमैन लोग, मुनव्वर हुसैन साहब, आबाद हुसैन साहब, अब्दुल्ला खान साहब, और उपस्थित हमारे यहाँ पर सभी अधिकारीगण, सारे ही हमारे मेहमान, हमारे चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, आप सभी लोगों का हम पटियाली विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आज हमारी पटियाली विधानसभा के लिए बहुत ही खुशी का मौका है, और इन सबके बीच मैं एक बहुत नाम, अहम नाम लेना तो भूल ही गई, शायद जल्दबाजी में नदीम फर्रुख भाई स्टेज छोड़कर चले गए और मुझे स्टेज संभालनी पड़ रही है, इसलिए मैं जल्दबाजी में आपकी हरदिल अजीज विधायक, जो कि आपके मुस्तकबिल के लिए हर वक्त दुआएं करती हैं, सिर्फ यही सोचती हैं कि किस तरह से पटियाली के हर आखिरी इंसान के चेहरे पर मुस्कान हो, कैसे पटियाली विधानसभा में विकास की गंगा बहे, ऐसी आपकी विधायक मोहतरमा जीनत खान साहिबा का भी मैं इस मंच के माध्यम से इस्तकबाल करती हूँ। यहाँ पर आज बहुत खुशी का मौका है, आज के दिन के लिए हमने बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार किया है। हजरत अमीर खुसरो साहब का ये महोत्सव वाकई में समाजवादी शासन की तरफ से हमारे लिए एक बेशकीमती तोहफा है, और ऐसा तोहफा जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने भी इसको सरकारी जश्न बना दिया, तो ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का, समाजवादी पार्टी की सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने के इतने मोहब्बत के साथ इस महफिल में ये आए और इतना इन्होंने पटियाली विधानसभा में काम करवाया है, जो विकास की गंगा बहाई है। वाकई में हमारे जो माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं, इनके एहसानों को पटियाली विधानसभा कभी नहीं भूल सकती। हजरत अमीर खुसरो साहब की सरजमी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ये वाकई में हमारे लिए गुरूर की बात है, गर्व की बात है। अमीर खुसरो साहब सिर्फ एक शायर का नाम ही नहीं, बल्कि ये अलामत है उस फन का, जिसमें कि अमीर खुसरो साहब की गिनती उस हीरे के तौर पे कही जाती है, उस नगीने के तौर पे की जाती है, जिसने कि हिंदुस्तान में पटियाली विधानसभा की सरजमी पर जन्म लिया। हजरत अमीर खुसरो साहब अपने मुल्क से बेनतहा मोहब्बत करते थे, और अपनी मुल्क की खूबसूरती के आगे, अपने मुल्क के हुस्न के आगे उन्हें किसी का हुस्न पसंद नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी वतन परस्ती में इतने मशगूल थे कि उन्होंने ये कहा कि हुब्बे वतन हस्ता जीमा बा यकीन, यानी कि वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। उन्होंने ये कहा कि सब लोगों को जो कि अलग अलग धर्मों से ताल्लुक़ रखते हैं, उन बाशिंदों को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क में अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के धर्म को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। आज हम सब लोग पटियाली विधानसभा के लोग हैं,
आप सब जानते हैं कि मुल्क के हालात क्या हैं। मुल्क के जो हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि जिसकी बयां नहीं कर सकते। मगर हम पटियाली वालों का फ़र्ज़ बनता है कि इस मुल्क के हालातों को देखें, क्योंकि हम गंगा किनारे के लोग हैं। हम वहाँ के लोग हैं जहाँ के गंगा के पानी से वुजू करके जहाँ एक तरफ मुसलमान ने नमाज अदा की है तो दूसरी तरफ हिंदू लोगों ने गंगा में नहा के ककोड़े के मेले में श्रद्धालुओं ने पवित्र किया है अपने आप को। ऐसी जगह के हम लोग हैं तो आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ की सरजमी से भाईचारे की मशाल बस कायम रखें और एक मिसाल बनाएं। आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मुशायरे का वक्त आ गया है और हमारे जो शायर और कवि हैं बस कुछ ही लम्हों में आपके बीच आने वाले हैं। बस इतना कहूँगी कि आज हमारे माननीय मंत्री जी ने करीब 52 लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। हम जब 2012 में चुनाव का आगाज़ करने के लिए आए थे तो सबको मालूम है कि यहाँ की पटियाली विधानसभा कितनी गुर्बत थी। ये समझ लीजिए कि कच्ची सड़कें, रेत के टीले, अपनी गुर्बत की दास्तां रो रहे थे। यहाँ पर डूबे 82 गांव खून के आंसू रो रहे थे। किसी भी गांव में बिजली नहीं थी। ये स्थिति थी कि हमारे लोगों के, युवाओं के रिश्ते तक नहीं आते थे। ना कोई लड़की लेने को तैयार होता था, ना कोई लड़की देने को तैयार होता था। आज करीब 125 से भी ज़्यादा सड़कें पटियाली विधानसभा में बना दी गई हैं। आज 3 साल से हमारी पटियाली विधानसभा में बाढ़ नहीं आई है और ये लहलहाती फसलें और हर इंसान के चेहरे की मुस्कान इस बात की गवाही दे रही है कि किस कदर शिद्दत के साथ हमने और पटियाली विधायक माननीय जीनत खान जी ने कोशिशें की हैं और किस तरह से हमारे सरपरस्त माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी ने हमारी कोशिशों का कामयाब करने के लिए हमारी मदद की है। आज हम पटियाली विधानसभा की तरफ से फिर से माननीय मंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी का इस्तकबाल करते हैं और आप लोगों से यही कहते हैं कि बहुत जल्द जब ये सारी योजनाएं आपके सामने आ जाएंगी सितंबर तक, तो हमारी पटियाली विधानसभा किसी अच्छी शहर से कम नहीं होगी। अब एक शेर के साथ मैं बात कहूंगी कि बस थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़े सब्र के बाद पटियाली विधानसभा की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने वाली है, क्योंकि हालात बदलने में अब देर नहीं है। हालात बदलने में अब देर नहीं है, कुदरत के उसूलों में उलट फेर नहीं है। आगाज़ ने अंजाम से हंसकर ये कहा, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। आज आप सब लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती और मैं पटियाली विधानसभा को एक चुटकी बजाते ही पूरा विकास में विकसित पटियाली बना देती। सब कुछ हो रहा है, 50 से ऊपर सड़कें बन चुकी हैं। माननीय मंत्री जी ने आज आपकी गंजुनवारा से एटा की रोड और गंजुनवारा से कादिरगंज की रोड का भी शिलान्यास किया है। बहुत जल्द ये भी बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक के आपकी भरगैन चारों तरफ से सड़कें बन गई हैं और बनने जा रही हैं। काफ़ी सड़कों पर काम चल रहा है। इसी तरह हमारे बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे हुए, और ख़ास तौर से जो मेरे सपनों का प्रोजेक्ट था जिसका नक्शा मैंने खुद बनाया था, मैनपुरी से बदायूं की रोड, आज उसका हमारे माननीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया है। ये समझ लीजिए कादिरगंज का पुल हो, ये हमारा ये हाईवे हो, ये हमारे पटियाली की शान है। और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जितनी दुआएं दी, आपने इतनी मोहब्बत की, आपकी मोहब्बतों के हम एहसानमंद रहेंगे। आपकी दुआएं ही तो हैं जो हमें हमेशा महफूज रखती हैं, हमें ताकत देती हैं ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। क्योंकि 2012 से पहले जो हालात थे, जो बसपा का शासन था, वो आपके सामने था। हमारे बेगुनाह लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और हमारे इतना अत्याचार किया गया हमारे लोगों पर, यहाँ तक के हमारी औरतों के जेवर तक बिक गए उनको बचाते बचाते। और आप लोगों की दुआओं से आज हम इस काबिल हुए कि हमारे लोगों की तरफ कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए बस यही कहना चाहूँगी कि जो आपने दुआएं हमें दी हैं उसको बरकरार रखें, अपना साथ यूं ही बनाए रखें। कदम से कदम जो आपने चलकर हमारा साथ दिया है, इसी तरह अपना साथ देते रहें। एक बात के साथ बस अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी।
साजिशें लाखों बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने की, साजिशें लाखों बनती हैं मेरी हस्ती मिटाने की, बस दुआएं आप लोगों की इन्हें मुकम्मल नहीं होने देती। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जय हिंद, जय समाजवाद।